Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. कुछ information आपको देना चाहती हूँ कैसे vloggers हमें बेवकूफ बनाते हैं one-sided story बता करके, ठीक है? और जब views कम हो जाते हैं तो किसी ना किसी की trolling वो खुद चालू करते हैं, और जब मेरे जैसे लोग सामने आके उनकी सच्चाई बताते हैं तो उनको पागलपन के दौरे चढ़ने लगते हैं. फिर वो आके बद्दुआ देना, लाइव करके 10 तरह की गाली देना, ये सारे ड्रामे उनके चालू हो जाते हैं. ये आप लोगों ने खुद देखा है. हालांकि हमें इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता. मैं यही चाहूँगी कि टाइम टू टाइम जब कोई इस तरह से, कोई व्लॉगर इस तरह से अपने किसी फैमिली मेम्बर को, चाहे वो इन लॉज हों, चाहे वो उनके माँ हों, चाहे पिता हों, चाहे भाई हों, चाहे भाभी हों, है ना, जब इस तरह से सोशल मीडिया का प्रयोग करेंगे किसी को ट्रोल करने के लिए, तो उनके सब्सक्राइबर्स के लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है प्राप्त करना कि वो जिसको फॉलो कर रहे हैं वो असलियत में, रियलिटी में कैसा इंसान है. वैसे तो देखिए, समझदार के लिए ना कोई ज़रूरी नहीं होता रिएक्शन चैनल, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, वो बड़े इमोशनल होते हैं. तो मेरी आज की ये जो वीडियो है ना, साइक्लोन के ऊपर है. मैं बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे अपने इंट्रो के बाद. काफ़ी लंबे समय के बाद मेरी वीडियो आ रही है, तो वेट करते रहिएगा. बहुत ही ज़्यादा जानकारी है इस वीडियो में. तो मैं देख रही हूँ कि किसी के व्यूज क्या कम हो गए. तो उसने पहले एक कंट्रोवर्सी अपने भाई के साथ की, उसके फ्रेंड को उसकी भाभी बताया, उसके बाद उसके ऊपर लीपा पोती की कि वो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा था, मेरा ये कर रहा था, मेरा वो कर रहा था, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगी. उसके बाद वो शांत हो गई, लेकिन उसके पहले उसने कीड़े कांडे की कांडी, जो कहते हैं ना कीड़ा कांडी करना, वो कर दिया था. कैसे कर दिया था? पहले ही डिस्क्लोज कर दिया कि हम मंदिर आए हैं, मेरी शादी की डेट भी इसी मंदिर में निकली थी, और पता नहीं क्या क्या है ना. और ये भी बोला कि तुम्हारी तो शादी होने वाली है, तुम्हारे तो व्यूज़ आएंगे. तो बेसिकली इनके दिमाग में इस वक्त व्यूज़ का गेम चल रहा है, इनको बहुत सारे व्यूज़ चाहिए. चलिए ठीक है, अच्छी बात है, सभी लोग यहाँ पे व्यूज़ के लिए आते हैं, बहुत अच्छी बात है. कुछ ईमानदारी से बात करके, जैसे मैं हूँ, सच को सामने रख देती हूँ, ईमानदारी से बात करके अपने व्यूज़ मैं ले जाती हूँ. और कुछ लोग हैं झूठ बोल के, 10 तरह के झूठ बोल करके अपने व्यूज ले जाते हैं. अब इस लेडी का कहना है, ये फिर से अपने ससुराल का गाना गाने लग गई. पिछले आई गेस 2 साल से हमने सब कुछ सुन लिया है जो ये सारे वीडियोस में अब रिपीट हो रहा है. और आप लोग जो भी इनको देखते हैं उनसे मेरा सवाल एक ये है कि अगर किसी का के ससुर इतना बोलते हैं कि झूठ बोलना छोड़ दो, उसके बाद 2-3 वीडियोस आ जाते हैं अपने आप को सच साबित करने के लिए, तो एक कहावत है, सच जो है ना वो साइलेंट रहता और झूठ बहुत तेज आवाजें करता है, लेकिन फिर भी वो सच बन नहीं पाता. तो यहाँ पर मैं आपको एक कहानी बताती हूँ. चलिए, आप जितने लोग समझदार हैं समझ लेना क्या बोल रही हूँ, और जिन्हें नहीं समझना उनका हम कुछ नहीं कर सकते. एक लड़की थी, एक परिवार था, 5 लोगों का परिवार था, 2 भाई 1 बहन, माँ और बाप, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ कि लड़की जो थी बड़ी उद्यमी किस्म की थी, हाँ बहुत उद्यमी थी, किसी से नहीं बनती थी घर में, ना माँ से, ना भाइयों से, ना पिताजी से, किसी से नहीं. तो अक्सर ये लड़ाइयाँ हुआ करती थी, बहुत लड़ाइयाँ, ठीक है. और एक टाइम ऐसा आया जब इस लड़की की माँ को लगा कि हम इसको नहीं संभाल पा रहे हैं, इसको और इसके भाई को, तो इसको हम बाहर भेज देते हैं. ये इतनी हद तक की लड़ाई करती थी. अब इनके जो सब्सक्राइबर हैं बहुत इंटेलिजेंट होंगे, जो इनको कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छी हैं, बहुत सीधी हैं, आप बहुत स्ट्रगल करती हैं, उनसे ना ये पार्ट करने के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, या चलिए सवाल अभी पूछ लेती हूँ कि अभी मैं आपको एक छोटी सी इंसिडेंट बताने वाली हूँ. आप मुझे बताइएगा कि आप लोग ऐसा करेंगे, आप में से कितने लोग ऐसा करेंगे. इनकी भाई से लड़ाई हुई, इनका मूड ऑफ हुआ. बाय द वे, इस चीज़ के प्रूफ मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो ये मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता है. इनकी लड़ाई हो गई भाई से, ठीक है, बहुत गंदी लड़ाई हुई होगी, या जो भी हुआ है, ये अपने भाई से नाराज़ थी, अपने पिताजी से नाराज़ थी, और इतनी छोटी भी नहीं थी, काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, और इनको गुस्सा आया. आप लोगों की अच्छी प्यारी व्लॉगर को गुस्सा आया, तो वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, जिसको हम फेसबुक कहते हैं,
वहां पे एक बहुत ही गंदा इल्जाम अपने ही सगे भाई और अपने ही पिता पर लगाती है कि ये मुझे मॉलेस्ट करते हैं। अब इनके जो सब्सक्राइबर जो कहते हैं तुम बहुत अच्छी हो, तुमने बहुत स्ट्रगल किया, तुम्हारी लाइफ बहुत खराब है, आप लोगों में से अगर किसी की लड़ाई घर में हो जाए, आप अपने बाप और भाई से नाराज हो जाए, क्या आप ऐसा कुछ सोशल मीडिया पर जाके लिख देंगी जहां पे बाहर वालों ने आपको फॉलो करके रखा हो कि मेरे बाप और भाई तो मुझे मॉलेस्ट करते हैं, मेरे साथ गंदे काम करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड प्लीज जो है ना, जो इस तीर को अपने ऊपर लेने वाला है, प्लीज हाँ ओवर रिएक्ट मत करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं प्रूफ ऑलरेडी दे चुकी हूँ अपने चैनल पर इस चीज का। तो एक सीधी लड़की जितना शरीफ अपने को दिखाने की कोशिश कर रही है, क्या आपके घर में अगर ऐसी कोई लड़की हो तो आप क्या करेंगे? या आप खुद भी लड़की होंगी, बहुत सारी लड़कियां होंगी, बहुत सारी मेरे एज की होंगी, बहन हो जैसी होंगी, मेरी भाभी जैसी होंगी, क्या आप लोग ऐसी हरकत करेंगे? नहीं करेंगे। तो आपको समझना चाहिए कि अगले का टेम्पर किस लेवल का है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा इंसिडेंट कि उसके बाद क्या हुआ कि जब ये संभल ही नहीं पा रही थी घर वालों से, तो घर वालों ने बोला कि इनको बाहर भेज देते हैं, क्योंकि ये सब हरकत करती है ना, तो इनको बाहर भेज देते हैं रहने के लिए, वहाँ पढ़ाई लिखाई कर लेंगी अपनी। वहाँ पढ़ाई लिखाई कर रही थी, अब एक बहुत ही सुंदर सुशील समझदार लड़की, जो समझदार ब्लॉगर है आज के डेट की, उसको आसपास रहने वाला कोई बंदा बड़ा पसंद करता था, बड़ी लाइन मारता था, बैचलर था उस वक्त, ये भी स्पिंस्टर थी राइट, बहुत पसंद करता था लाइन मारने का, घूरते रहने का। तो अगर आप इंटेलिजेंट लड़की हैं, आप इंटेलिजेंट महिला हैं, आपको पता है कि अगले के इंटेंशंस आपको लेके अच्छे नहीं हैं राइट, तो क्या आप उसके घर जाएंगी? और ऊपर से आपको ये भी पता है कि वो वहाँ पे अकेला रहता है, क्या आप उसके घर जाएंगी? आप नहीं जाएंगी राइट, आपको अपनी सेफ्टी अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रहेगा, आप वहाँ नहीं जाएंगी। पर ये समझदार सुंदर सुशील भोली सी लड़की वहाँ चली गई। अब वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो ये लड़की ही जानती है, लेकिन बाद में इसने जो शेयर किया वो ये था कि मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की उसने। जब इनसे पूछा गया कि क्यों गई तुम जब तुम्हें पता है कि वो ऐसा है, तो जवाब आता है कि मैं नौकरी मांगने गई थी। आप सभी इंटेलिजेंट लोगों से मेरा सवाल ये है कि अगर आपको पता है कि अगले के इंटेंशन आपको लेके सही नहीं है, क्या आप उसके पास, और आपको पता है कि वो अकेला रहता है अपने घर में, बैचलर है, तो आप क्या उससे नौकरी मांगने जाएंगी? आप नहीं जाएंगी। बट ये सब सुशील सुंदर ब्लॉगर चली गई। ये दो इंसिडेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्लॉगर या तो सच बोलती है या तो इतनी झूठ बोलती है, इतना झूठ बोलती है और इतनी कहानी बनाती है कि कोई सवाल कोई मतलब हिसाब किताब ही नहीं। अच्छा, इस ब्लॉगर ने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया है कि ये शादी के पहले अपने ही हस्बैंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। देखिए, यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप उसी इंसान से शादी कर रहे हैं राइट, लेकिन टाइम टू टाइम इनके ससुराल वालों का एक इल्ज़ाम आता है कि ब्लैकमेल करके शादी की, ब्लैकमेल करके शादी की। इस ब्लॉगर ने अपने मुँह से एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हमारे हर तरह के रिलेशंस थे बिफोर मैरिज, ठीक है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस बात पे थोड़ा सा प्रकाश डालें कि क्या ये ब्लैकमेल का सीन है, ये बार बार क्यों ब्लैकमेल की चीज़ उठती है, क्या ब्लैकमेल किया आपने? क्योंकि कई बार इन्होंने अपने शादी का एल्बम और वीडियो के क्लिप्स उठा उठा के अपने चैनल पर डाले हैं, सबके मुंह पे 12 बजे हैं, सिर्फ ये बहुत खुश हैं और इनके मुंह की जो स्माइल है वो ऐसी है कि कुछ विक्ट्री मिली है इनको बहुत बड़ी वाली, ठीक है। यहाँ तक कि इनके जो हस्बैंड हैं उनके भी चेहरे पर स्माइल, मतलब कह सकते हैं 75% टाइम अगर आप देखेंगे, 75% का जो इनका वीडियो है आउट ऑफ 100%, 75% में उनका मुंह लटका हुआ है, बहुत दुखी है, कोई खुश नहीं है, सिर्फ ये संस्कारी ब्लॉगर बहुत सभ्य सुशील सुंदर समझदार ये खुश है। अच्छा, इसके बाद भी इनके ऊपर बड़े सारे इल्ज़ाम लगे जो ये नहीं बताती हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए, मैंने कम्युनिटी में जैसे लिखा है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से थप्पड़ बजता है, ताली दोनों हाथ से बजती है। ये औरत की कहानी ये है कि जब ये YouTube पर आई थी, इन्होंने एक कहानी प्रस्तुत की थी लाके ऐसे कि मुझे घर से निकाल दिया गया था,
मुझे ये कर दिया गया था, मुझे वो कर दिया गया था, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास ये नहीं वो नहीं, सब कुछ हम मानते हैं कि बहुत बुरा हुआ आपके साथ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इनफैक्ट किसी भी यू नो बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी बहन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इनके ही बहुत ही सभ्य सुशील समझदार जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मेरा सवाल एक बार फिर से ये है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि इनको घर से जाने को बोला गया। आप लोगों को एक क्लिप दिखाई गई है अभी रिसेंटली किसी लाइव की कि ससुर बोल रहे हैं कि तुझे जाना, तुझे जाने को नहीं बोलते तो तुझे कुछ हो जाता, राइट? यू रिमेंबर दिस, रिसेंट है ना। अच्छा, अब मैं एक चीज़ बताती हूँ जो इनके ही ससुराल के साइड से मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, वो वैसे मैंने उसका भी लगा रखा है प्रूफ, है ना, तो झूठ नहीं बोल रही हूँ। और इन्होंने माना है कि हाँ ये मेरे ससुराल से कोई है जो ये बताया है ये सब। उस क्लिप में बड़ा साफ लिखा हुआ है कि ये जिस दिन इनके घर में ये मिसहैपनिंग हुई, ये अपना सामान पैक कर रही थी घर छोड़ के जाने के लिए, इनके सास और ससुर ने हाथ पैर जोड़े ये कह कर के कि हमारे बच्चे की आखिरी निशानी है, इसको हमसे दूर मत करो, हम इसी का मुंह देख के अपनी ज़िंदगी जिएंगे, इसी का मुंह देख के हम अपने बेटे को याद करेंगे। तो ये कहाँ चली गई, ये भागी छत की तरफ कि अगर तुमने मुझे रोका तो मैं अपने बच्चे के साथ छत से कूद के जान दे दूंगी। तो अगर ससुर ने बाद में उसके बाद का और इनको निकाले जाने के बाद के बीच का जो टाइम है ना, उसमें आपको लगता है कि ये सभ्य सुशील सुंदर समझदार व्लॉगर बहुत ही यू नो पीसफुली उस घर में रही होगी, मुझे नहीं लगता। मुझे इसलिए नहीं लगता कि इनके ससुर ने बिल्कुल वही बोला जो उन्होंने उस वक्त फील किया। इन्होंने काफ़ी लड़ाई की, इन्होंने काफ़ी झगड़ा किया, दुख के टाइम पे इन्होंने मैगी बना के खाया, जब ये 13 दिन बाद घाट पे गई वहाँ पे इन्होंने लिपस्टिक खरीदी, इन्होंने काजल खरीदा उसका, इन्होंने इमोशनल अत्याचार अपने सब्सक्राइबर्स के ऊपर ये बोल के किया कि इनके हस्बैंड कहते थे कि ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगता है तो हमेशा लगाया करो। बट अगर जो भी आप सुंदर सुशील सभ्य नारियां हैं जो मुझे देख रही हैं, प्लीज़ मुझे बताइए कि आपका मन ऐसा करेगा कि आप जब 13 डेज के बाद घाट पे जा रही हैं कुछ रिचुअल्स करने, तब आप क्या लिपस्टिक खरीदेंगी, क्या आप काजल खरीदेंगी? दिस इज़ वेरी अनरियलिस्टिक, दिस इज़ वेरी इनह्यूमन, ठीक? अकॉर्डिंग टू मी होती होंगी ऐसी औरतें, मैंने खुद पहली बार YT पे देखी हैं, मैंने खुद पहली बार YT पे देखी हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं। तो जो लड़की ये सब कर रही है, अगर उसके सास ससुर ने बोला तुम चली जाओ वरना तुम्हें कुछ हो जाता, मतलब जो औरत छत पे भाग रही है अपना छोटा सा बच्चा, उस वक्त 45 दिन का भी नहीं था, उसको लेके छत पे भाग रही कि मुझे रोका तुमने यहाँ तो मैं कूद के जान दे दूंगी, ठीक? तो अगर ससुर का कहना है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कैन यू रिलेट दीज टू थिंग्स कि एक औरत अपने इतने छोटे बच्चे को लेके जान देने जा रही है क्योंकि उसको बोला गया कि रुक जाओ हम इसको देख के जी लेंगे। इज इट नॉट मेकिंग एनी सेंस? क्योंकि आप में से और हम में से, मतलब मुझे तो पता है दूसरे साइड की कहानी थोड़ी बहुत, पूरी तो नहीं पता, पूरी तो वही बता सकते हैं जितनी मुझे पता है, मैं उतनी बता रही हूँ। अच्छा, उसके बाद एक क्लिप ये बनाती हैं कि जहाँ पे इनकी सास जो है वो पैसा 12 लाख मांगा था, ठीक? यहाँ पे मैं बिल्कुल बोलती हूँ कि इनकी सास को पैसे से प्यार है वो दिख रहा था, लेकिन मैंने जब प्रूफ रखा था ना, जब ये पागल हुई थी और उसने मंदिर तोड़ा था और लाइव करके मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी थी, राइट? उसके पहले वाला मेरा वीडियो आप लोग प्लीज़ खोज के सुनिएगा, जो ये ठीक से सुन नहीं पाई थी, उसमें साफ इनके मायके की साइड से बोला गया था कि ये शादी करने के लिए इन्होंने अपने पापा से लड़ाई कर करके 12 लाख रुपए में शादी खुद तय की थी, और इन्होंने पागल कर दिया था उनसे कि हमें पैसा दो, हमें शादी करनी है, ठीक है? अभी इन सारी ही चीज़ों को किस तरह से घुमाया जा रहा है वो तो मैं भी देख रही हूँ, वो तो आप भी देख रहे हैं, वो भगवान भी देख रहा है। अच्छा, इस सभ्य सुशील और सुंदर औरत ने सिर्फ अपने मतलब की क्लिप्स उस लाइव से निकाल के दिखाई हैं, बट हम लोग वो हैं
और मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स वो लोग हैं जिन्होंने वो लाइव पूरा देखा और सुना। वहां पे इनकी सास ने बड़े ही क्लियरली एक बात बोली थी किसी का नाम लेकर के कि उसके साथ मिलकर तूने मेरे बच्चे को कुछ खिला दिया और वो अचानक से उसके साथ ये सब हो गया, वो मेरे बच्चा चला गया। चलिए, इसके ऊपर इन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन दिया या नहीं दिया मुझे याद नहीं है, अदरवाइज मुझे इनकी बोली हुई काफ़ी सारी बातें याद हैं। वैसे इतना कचरा मैं रखती नहीं अपने दिमाग पे, बट मुझे याद है। पर सिंस मुझे ये वाली बात शायद याद ना हो, आपने क्लैरिफाई किया तो प्लीज़ क्लैरिफाई इट। क्या खिला दिया, ऐसा क्यों बोला उन्होंने कि तूने कुछ खिला के मेरे लड़के को ख़त्म कर दिया। अब इस सभ्य सुशील सुंदर और समझदार व्लॉगर के सब्सक्राइबर से मेरा ये सवाल है कि आप लोग बहुत इमोशनल हैं, ये मैं समझ सकती हूँ। आप लोगों को जो कहानी एक इंसान बता देता है आप वो मान लेते हैं, आपके सारे इमोशंस जाके उससे जुड़ जाते हैं। पर क्या आप लोग उस माँ के इमोशंस से बिल्कुल वाकिफ नहीं हैं जिसके घर से एक जवान लड़का चला जाता है, है ना, जिसका एक छोटा सा बच्चा है, जिसकी एक नई नवेली दुल्हन है घर में, है ना, उस उन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। समझ रहे हैं, एक साल भी नहीं हुआ था जब ये कहती है कि मुझे 45 दिन के बच्चे के साथ निकाल दिया घर से, विच इज़ वेरी बैड, आई हैव ऑल माई सिंपथीज विद यू। हाउएवर उसके बाद ये एक यूट्यूब का वीडियो बनाती हैं, डालती हैं और रात में वायरल हो जाता है और इनके सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगते हैं। फिर ये एक दो वीडियो बनाती हैं, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता तो अपनी कहानी लोग इनसे पूछते हैं, ये अपनी कहानी बताना शुरू करती हैं और धीरे 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 ट्रांजिशन आपको दिखेगा, बड़ा स्लो ट्रांजिशन हुआ है। एक लड़की जो ऐसे पल्ला रख के धीमी आवाज़ में बात करती थी एकदम से उग्र हो जाती है, एकदम से सरदर्द बन जाती है पूरे YT का। और उसके बाद उसने जो ट्रोलिंग अपने ससुराल वालों की है 1 से 1.5 साल, मेरे ख्याल से इनके सब्सक्राइबर्स को तब भी नहीं समझ में आया था और अब भी उस माँ का दर्द नहीं समझ में आया है जिसका जवान लड़का चला गया, जिसको वो वापस कभी ला ही नहीं सकती। ऐसी माँ को लगातार 1 साल से ऊपर इसने ट्रोल किया है। हस्बैंड की पहली बरसी ये सभ्य सुशील सुंदर और समझदार ब्लॉगर जो है वो भूल जाती है। उस दिन ये बहुत सारे कपड़े खरीदती है, बहुत सारी शॉपिंग करती है, मॉडलिंग के लिए फोटोशूट कराती है और बिजी रहती। जब लोग इससे पूछते हैं कि तुम्हारे तो पति की बरसी है तो कहती नहीं, पता नहीं इस तारीख को है या उस तारीख को है, शायद उस तारीख को है। तो ये जो सुंदर सुशील सभ्य व्लॉगर जो बहुत ही ज़्यादा दुखी है अनफॉर्चुनेटली, आप लोगों को इतनी सीधी कैसे लगती है मुझे ये बताइएगा आप लोग नीचे कॉमेंट करके। बाकी रही बात की मैंने जो जो बोला है क्या उस चीज़ का प्रूफ है, बिल्कुल है, और आधे प्रूफ मेरे चैनल पर लगे हुए हैं और मेरे पास बहुत सारे और भी प्रूफ हैं। अच्छा, जो ये केस की बात कर रही कि सेब केस, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। मुझे ये किसी ने नहीं बताया कि ऐसा सेब केस वगैरह हुआ या किया या जो भी है, इनकी सास ने बोला ये जाने और वो जाने। अच्छा, उस लाइव का भी मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि वो लाइव स्टार्ट तब हुआ था जब इन्होंने अपनी सास को चार्ज अप कर दिया था लड़ने के लिए। वो औरत है जिसका जवान लड़का घर से गया है और उसको 1 साल से लगातार बहू गंदी गंदी बातें बोल के ट्रोलिंग कर रही है, गंदी गंदी बातें बोल के कि वो पागल है, उसका इलाज हो रहा है, उसका ये हो रहा है। मतलब वो एक माँ नहीं है, राइट, माँ ये है बस। अच्छा, इनका कहना है कि मेरे बच्चे को नज़र लग जाती है, मैं इसके पैर में धागा बांधूंगी, ये वो ऐसे करके इनके कई वीडियोज़ हैं, राइट, हर माँ को ऐसा लगता है। तो जब ये अपने देवर से शादी करना चाहती थी और उन्होंने मना कर दिया ये सोच के कि भाई मेरा लड़का तो ठीक ठाक था, इससे शादी होके ख़त्म हो गया, हो सकता है भाई कोई दूसरे को भी कुछ हो जाए, तो उन्होंने मना कर दिया। ये क्यों लगातार रोती रही कि मेरी शादी अपने दूसरे बेटे से कराओ। दूसरे, आप में से कितनी औरतें हैं जो ऐसी बंदी के लिए हाँ बोलेंगी। अच्छा, एक और चीज़, ये इतनी सुंदर सुशील और सभ्य है, इतनी निपुण है हर काम में कि वो इनके व्लॉग्स में दिखता है ना, इन्हें सफाई से कोई लेना देना ना, इनकी रोटियां गोल बनती हैं, बच्ची नहीं है ये, बिल्कुल भी बच्ची नहीं है कि इनसे गोल रोटी नहीं बनती, इन्हें खाना बनाना नहीं आता, इन्हें कुछ भी काम करना नहीं आता। इनको डॉक्टर ने बोल रखा है बच्चे को मीठा मत खिलाओ तो ये बच्चे को मीठा ही खिलाती हैं, बच्चे को घर का सिंपल खाना खिलाओ तो ये बच्चे को बाहर का खाना ही खिलाती हैं। ये इतनी सभ्य सुशील सुंदर निपुण महिला
क्या सच बोल रही है, आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं यहाँ पे रखूंगी तो वही है, इनके इनके सीजर चालू हो जाएंगे, है ना, ये पागल हो जाती है, इनके अलग टाइप के होते हैं, इनके ऊपर भूत आता है, फिर मंदिर टूटता है, बच्चा चिल्ला चिल्ला के रो रहा होता है, ये इनके मुंह से गंदी गंदी गालियां निकलती हैं। जो औरत इतनी महान है कि एक माँ जिसने अपना बेटा खोया है उसको 202 साल से मेंटल टॉर्चर कर रही है यूट्यूब पे लगातार लगातार, अगर वो लोग अपने फेवर में एक शब्द बोलते हैं तो ये 4 वीडियो बनाती है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने, इनके ससुर ने कमेंट करके सिर्फ इतना बोला, झूठ बोलना छोड़ दे, उसके ऊपर से 3-4 वीडियो आ चुके हैं, कम्युनिटी छप चुकी है, राइट? कैन यू अंडरस्टैंड कि कितना बवाल है इस औरत के दिमाग में? बस यही चलता है वाईटी पर, ये क्रिंज ही चलता है वाईटी पर। जब तक ये अपने ससुराल में एक दो और लोगों को ऊपर नहीं पहुंचाएंगी, मुझे नहीं लगता कि ये शांत होने वाली है ना। आए दिन बोलेंगी कि मैं भूल जाऊंगी, मैं भूल जाऊंगी, मैं भूल जाऊंगी, बट कहीं ना कहीं इनको पता है कि इनका चैनल चलता ही तब है जब ये अपने ससुराल वालों को ट्रोल करती हैं। तो मैं यही कहूंगी कि एक फैमिली जो वाईटी पर नहीं है उसका तमाशा ये औरत बना रही है। अगर इसको इतनी तकलीफ है उनसे बार बार कहती कि मेरे मेरे पति का हिस्सा नहीं दिया, मेरे बेटे का हिस्सा नहीं दिया, देखिए आपको मांगने की जरूरत नहीं, आप एक बार कोर्ट में केस करेंगी आपके बेटे का हिस्सा आपको मिल जाएगा, है ना, ऐसा प्रोविजन है। तो महान मत बनिए ये बोल के कि मैंने छोड़ दिया, जाइए केस करिए, और वाईटी पे जो बदनामी कर रही ना आप लगातार अपने ससुराल वालों की, वो बंद कर दीजिए, क्योंकि हम उन लोगों में से हैं जो बिलीव करते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आपके ससुराल वाले गलत हैं कहीं पे भी तो आप कोई सही नहीं है। एंड फिलहाल आपकी जो एक्टिविटीज हैं पूरे वाईटी पे वो देखते हुए तो मुझे यही लग रहा है कि उनके अंदर सहनशीलता की तो कोई मतलब सीमा ही नहीं है। इतने साल हो गए, इतने साल आप लगातार उनको बुरी तरह से बदनाम कर रही हैं, जो ऑलरेडी एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उनके दिल में उनके दिमाग में भी अपने घर के एक मेंबर के जाने का उतना ही दुख है जितना आपको होगा, शायद आपसे ज्यादा दुखी वो लोग होंगे, क्योंकि यू नो व्हाट, जो उनके घर से गया ना, उस घर में पैदा हुआ, उनके सामने बड़ा हुआ, उनके सामने उसकी शादी हुई, आप तो शायद 1 साल पहले से जानती थी, राइट? और ये ब्लैकमेलिंग वाली जो चीज है ना, प्लीज इसको क्लियर करिएगा, और पिछले बार की तरह ड्रामा मत करिएगा कि मंदिर फेंका, ये फेंका, वो फेंका, आप अपने घर से भी किसी को उठा के फेंक के मारेंगी ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रही हैं? मुझे आदत है, मुझे ट्रोलिंग की आदत है, उससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। मेरे ट्रोलर्स को लगता है कि हाय इसके बारे में ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे दुखी हो जाएगी। नहीं, दुखी नहीं होती हूँ, कभी कभी थोड़ा सा दुख होता है, ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे हर बार संभाल लेते हैं। मैं अब देखना चाहती हूँ आपका रिएक्शन, क्योंकि ये एक एक चीज जो मैंने बोली है ना, मेरे पास प्रूफ है। बाय द वे लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन जो मैं बोलना नहीं चाहती लेकिन मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बताना चाहती हूँ। कुछ लोगों ने सवाल पूछा था, इन्होंने घर ले लिया, इनका भाई, दूसरा वाला भाई, इनके घर कभी नहीं आया क्योंकि ये उसका घर तोड़ना चाहती थी और ये उसकी वाइफ को रांड बुलाती हैं। तो कौन सी भाभी ऐसी होगी जो इतनी गंदी ननद का मुंह भी देखना चाहेगी लाइफ में? प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा आज का वीडियो इतना ही, इसने और 3-5 किया तो मैं आपको जरूर और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगी, है ना, क्योंकि हर चीज का जो जो चीज मैंने बोली है हर चीज का सबूत है। एंड वंस अगेन हम मानते हैं कि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती और ये इतनी शरीफ हो ही नहीं सकती ना, नॉट पॉसिबल। सो ये था मेरा आज का रिएक्शन, मिलती हूँ बहुत ही जल्दी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल, बाय बाय।